चार किलोमीटर लगातार दौड़े बिना रुके, ये मेरा रिकॉर्ड है अभी तक का। ये देखो क्या ड्रामा कर रहा है, लेट गया है। मी टू। इतनी गर्मी की वजह से शरीर में खुजली सी होने लग रही है, मन नहीं कर रहा इस गर्मी में बाहर निकलने को। लो प्लीज बैग टांग लो यार, तुम्हारे पापा देखेंगे तो कहेंगे पढ़ने नहीं जा रहा है, बैग टांग कर ला रहा है। नींद इतनी तेज लग रही थी कोचिंग में बैठे थे तो इस तरह सो रहा है। हम चाहते नहीं है कि फाइनल ऑस्ट्रेलिया ले जाए, इंडिया को हारते हुए नहीं देख सकते। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी निकल गए थे कोचिंग के लिए और इस धूप में निकलने को मन नहीं कर रहा है, इतनी तगड़ी धूप हो रही है बाहर, निकलने को बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है। सुबह सुबह उठ जा रहा है ना, फिर धूप से ही परेशान है, सोए रह रहे थे, इतने मस्त नींद लगी रह रही है, पूरी शरीर में थकान सी हो गई है। अभी जस्ट एक ब्लॉग एंड कर रहे हैं, फिर दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये देखो केला खाते हुए जा रहा है, अपना हेल्थ पे ध्यान दिया है, रोज सुबह सुबह केला खाते जा रहा है। एक प्लॉथी ले रहा है, उसमें रख ले रहा है, बस एक ही गलती कर रहा है, इसका छिलका सड़क पे फेंक दे रहा है, वही प्लॉथिन में डालकर कहीं एक जगह रख देना चाहिए। मस्त खा रहा है, छिलका फेंक दे रहा है इधर उधर। प्लॉथिन ही फेंक दिया, छिलका नहीं फेंक रहा है, प्लॉथिन ही फेंक दिया। वाह भाई साहब, हमको भी एक केला दे रहा है रोज एक। इसके साथ साथ हम भी एक गलती करें, लेकिन हम तो गलती करने वाले हैं नहीं, इसको साइड में ही फेंकेंगे। ये तो रोड पे ही फेंक दे रहा है, गलत बात है ये सब, इतना सिखाना सारा व्यर्थ है। बोले बाबा मंदिर आ गया, ओम नमः शिवाय। प्रेस किया जाता है ना कपड़ा को, इसी तरह हम लोग भी प्रेस हो गए, लोग धूप में निकल रहे, लोग तो पूरी शरीर हीट हो चुकी है। इसे खाते हैं एंड खाते खाते निकलते हैं लोग कोचिंग। कितना टाइम लगा, एक भी मिनट नहीं लगा इसे खाने में। बस अभी चलते हैं कोचिंग एंड कोचिंग से आने के बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस, अभी फिलहाल कोचिंग से छुट्टी हो चुकी है एंड सुबह चाय पीकर नहीं गए थे तो नींद इतनी तेज लग रही थी कोचिंग में बैठे थे तो पहले पीरियड तो बढ़िया गई, दूसरी पीरियड में इस तरह सो रहा है। फिर एक ही बार में ऐसा जोक कोई मारा है, हिंदी चटक गई है, सारे लोग हंसने लगे थे, हम भी हंसने लगे। यही बाहर निकलो तो नींद गायब एक ही बार में, जैसे ही कोचिंग की छुट्टी वैसे ही नींद गायब। बाहर तो तगड़ी वाली धूप निकली है बट गर्म गर्म हवा भी साथ चल रही है, हवा ना ही चले तो सही है क्योंकि हवा भी गर्म चल रही है और साथ में इतनी तगड़ी तो धूप निकल ही रही है। एंड आजकल तो शरीर भी खुजली जैसा होने लग रहा है, पूरा शरीर में खुजली धर ले रहा है इतनी गर्मी की वजह से। देख नहीं रहो हल्का हल्का सा दाना भी आपकी साइड निकला है, इस वजह से बाहर निकलने को मन नहीं कर रहा है। और घर पे जाते ही तुरंत बैठ जा रहे हैं नहाने के लिए, जैसे ही जा रहे हैं वैसे ही बैठ जा रहे हैं नहाने के लिए। तो आज के इतने थके रह रहे हैं, जिम कर रहे हैं ये, बैग टांग रहे हैं हम, ये पूरा पसीना सूख चुका है, कुछ तो टांग नहीं रहा है, अपना कॉपी मेरे बैग में रख दिया है। पर एक कॉपी धर रहे हैं उससे कितना वजन हो जा रहा है, उससे बहुत वजन है, एक कॉपी एक किलो का होगा ना। कुछ टांगा नहीं आराम से, आज तो मोबाइल भी चलाते नहीं जा रहा है, पर नजर जाता है तो रिस्क देखते जाता है। ऐसे गाइस अभी चलते हैं घर, इस धूप में ब्लॉक करने को मन नहीं कर रहा है, इतनी तगड़ी धूप जो निकल रही है ना वो जस्ट ऊपर ही निकली है। अभी फिलहाल कोचिंग से पढ़कर घर पे आ गए थे और यार बाहर से आते ही पूरी शरीर में गर्मी हो गई। वैसे अभी नहाए नहीं है, जाएंगे नीचे तो नहाएंगे। तो ये देख रहे हो पीछे सारा कपड़ा हमारा धुल चुका है, बस इसको भी धुलना है और पैंट को भी धुलना है, ये खुद से ही धुल लेंगे अभी जाएंगे नीचे तो। और ये लोग अभी तक ऊपर ही है सब सुबह से, हमसे पहले उठने वाले और हमसे लेट में सोने वाले, यही सब है सब। मीटू यहाँ पर देख सकते हो अभी पूजा हुआ है, हर वक्त पूजा में ये दोनों बैठे रहते हैं सब। और ये केला का पेड़ कितना प्यारा है, अभी यही धूप आएगी तो ये लटक जाएंगे सब, इन शाम को सही हो जाएंगे सब, धूप इतनी तगड़ी निकल रही है तो हम लोग लटक जा रहे लोग कि इतनी तगड़ी धूप में बाहर निकलने को मन नहीं कर रहा है। वैसे गाइस अभी नीचे चलते हैं, नहाते हैं एंड उसके बाद चाय पीते हैं, क्योंकि आज चाय नहीं पिए हैं तो शरीर में इसीलिए थकान है, चाय पी लेंगे तो शरीर की थकान दूर हो जाएगी। और एक दो दिन में हम दौड़ना भी स्टार्ट करेंगे, पहले हम दौड़ते थे छोड़ दिए, आज का नींद खुल नहीं रही है सुबह सुबह, वरना सुबह सुबह उठ कर ही ना दौड़ा जाता है, तो सुबह सुबह ट्राई करेंगे कि उठ जाए एंड पहले वाला रूटीन को अजमा ले। सुबह सुबह उठ रहे हैं तो शरीर मेरा बहुत थकी रह रही है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं उसके वजह से हो सकती है, तो सोच रहे हैं दौड़ना स्टार्ट करें, उससे सारी मसल्स टाइट रहती है जिसके वजह से नींद नहीं लगती उतनी और तुम कोई भी काम करोगे तो जल्दी थकोगे नहीं, यही होता है दौड़ने से। तो देख रहे हैं एक दो दिनों में स्टार्ट करेंगे दौड़ना भी, और यहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ता है दौड़ने के लिए क्योंकि यहाँ पर वैसा जगह नहीं है दौड़ने के लिए। एक बहुत ही मस्त प्यारी सी लोकेशन है, वहाँ पर कई लोग दौड़ते हैं, उन्हीं लोगों के साथ दौड़ेंगे तो मोटिवेट भी होंगे,
चार राउंड दौड़ रहा है तो हम पांच राउंड दौड़ेंगे, वो छह राउंड दौड़ रहा है तो हम सात राउंड दौड़ेंगे, ऐसे ही मोटिवेट हुआ जाता है। अभी 10 राउंड के आसपास दौड़े हैं, 4 किलोमीटर लगातार बिना रुके, ये मेरा रिकॉर्ड है अभी तक का। वैसा भी चलते गए, नीचे देख रहे हो धूप में इस शरीर का हालत क्या हो जा रहा है, पूरा पसीना पसीना। तो भाई ऊपर से आकर मस्त नहा लिए थे एंड अभी नाश्ता भी कर लिए। नाश्ते में बहुत ही प्यारी चीज बनी थी, पूरी और साथ में छोला था, इतना प्यारा लगा खाने में। एंड इन लोगों देखो, इन लोगों को लेकर आए नीचे तो दिए रोटी खाने को, रोटी पानी में ले जाकर डाल दिया है, सब खाते नहीं है सर, ड्रामा करते हैं सर, नहीं मीठू। वैसे गाइस अभी जाएंगे तो अपना ब्लॉग एडिट करेंगे, देख सकते हो टाइम 11:30 होने वाले हैं, अभी तक हम अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है, एक ही बार बैठेंगे तो कर कर उठेंगे। मैं तो शरीर पूरा थका थका लग रहा है, करने को बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा आजकल, लेकिन काम है तो करना ही पड़ेगा। तो अभी बैठते हैं, अपना ब्लॉग एडिट करते हैं एंड कर कर ही उठेंगे। वैसे ये चेक कर रहे हो मछली का पानी कितना ब्राउन हो चुका है, इसको भी चेंज करना है, पूरा गंदा हो चुका है, पूरा गंदा। अच्छा वहाँ पर ऑक्सीजन के पास बैठ कर देख रहा अम्मी को यार, हम जाने सोया हुआ है, लेकिन ये देख रहे हो कैसे हमको दिख रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, तो मैच देखते देखते अपना ब्लॉग एडिट करते मजा सा आता है, तो मैच नहीं चल रहा है तो बोरिंग सा लग रहा है। मैच देख रहे थे कल तो इंडिया का 151 रन पे 5 विकेट गिर गए, बहुत अफसोस हुआ क्योंकि फाइनल है ना, तो अगर कोई जीतेगा तो वो ट्रॉफी ले जाएगा। देखें कल भाई बहुत ही गंदी तरीके से इंडिया खेली कल, चलो मैच है, हार जीत तो होती रहती है, ऐसा भी चलते हैं अपना काम करते हैं वरना बहुत लेट हो जाएगा। तो गाइस अभी फिलहाल कोचिंग के लिए निकल गए थे, वैसे आजकल हम लोग को नज़र लग गई है, हम लोगों ने केवल हमको आ रही है बोलने नहीं देगी, हमको हमको नज़र लग चुकी है। अभी तक मेरा ब्लॉग एडिट नहीं हुआ है, घर पे जाएंगे तब करेंगे। आज हमारा ब्लॉग 8:30 या 9 बजे रात को आ सकता है, बहुत लेट हो गया है, ऐसा बोलने नहीं देगी ट्रेन आज हमको। यहाँ पर देख रहे हो जा रही है, ये कहो कि 2 मिनट पहले उधर से क्रॉस कर गए लोग, वरना वहीं पे रुकना पड़ता हम लोगों को। जो हम रात को ब्लॉग एडिट कर लेते थे अब सुबह कर रहे हैं, और सुबह नहीं हो पा रही है तो समझ रहे हो ब्लॉग कितना लेट जा रहा है। अभी जाएंगे तो करेंगे, फिर अपलोड करेंगे, बहुत काम है। ये जरा जाम चेक करो कितनी लंबी जाम है, हम लोग तो पैदल है, धीरे धीरे निकल जाएंगे लोग, और जो गाड़ी से उन लोग का दिक्कत है ना, जाम यहाँ तक है और पूरी वहाँ से स्टार्ट है। शरीर भाई कुछ लाना स्टार्ट हो चुका है, सीजन आ गई है, चुन चुनी होने लग रही है शरीर में, एक तो कोचिंग का लेट हुआ है और इसको कुक का जूस पीना है, गन्ना का जूस, तो और लेट कर आ रहा है, लेट हुआ है तो थोड़ा बहुत और लेट हो ही जाए। इतनी गर्मी की वजह से शरीर में खुजली सी होने लग रही है, मन नहीं कर रहा इस गर्मी में बाहर निकलने को, तक बढ़ना है तो जाना ही पड़ेगा, ठंडा ठंडा अभी से पी का जुड़ा निकलते लो। तो भाई पी लिए लो, और इसको पीने के बाद शरीर का गर्मी ही गया, बहुत अच्छा सा लग रहा है। वैसे हमको पीने को मन नहीं था, रिशु अपने लिए ले रहा था, कहा है पियोगे तो कहें ले लो, अरे भाई रिशु पिलाएगा हम छोड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है नहीं, कभी नहीं। वैसे गाइस अभी चलते हैं लो कोचिंग, एंड कोचिंग से आने के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी कोचिंग से छुट्टी हो गई है और थोड़ा आज लेट हो गया है, हर चीज़ में आज लेट हो रहा है, कोचिंग से निकलने में भी लेट हो गया, अभी तक ब्लॉग नहीं आया, घर पे जाएंगे तो उसी का काम करने बैठेंगे, जब ब्लॉग टाइमिंग पे नहीं जाता ना मुझे हमको अजीब अजीब सा लगता है। तो अभी जाएंगे घर पे, आराम से बैठेंगे और काम करेंगे, और बाहर गर्मी इतनी तगड़ी वाली हो रही है, मार्केट में वैसे ही भीड़ है, देख रहे हो भीड़ आगे पीछे आ जाओ, भीड़ ही भीड़। अभी कोचिंग से पहुँच गए थे इसके घर के पास और इतनी गर्मी हो गई, यहाँ पर आते आते भाई अंदर से पूरा शरीर भींग चुका है, बैग भी नहीं टांगे थे तभी भी, बहुत ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, इससे कर है लाने को तो कर है, 3 फ्लोर पे जाना पड़ेगा तब पानी आएगा, तो कर है उतना अभी चलने को मन नहीं कर रहा है, खुद पीना रहेगा तो चला जाएगा, हमको ना पीना इसीलिए नहीं जा रहा है, यहीं पे बैठे हैं, अभी जाएंगे हम भी जाएंगे, तुम यहाँ से यहाँ चले जाओगे सीधा, हमारा भी घर पास में ही तो यहीं से निकल जाएंगे घर पे पी लेंगे, लेकिन मेरे घर पे फ्रिज नहीं है, मटके में पानी है, वो भी ठंडा ही रहता है, उसका भी ठंडा रहता है, अच्छा लगता है वो भी पीने में, मीठा मीठा गाढ़ा का पानी रहता है पीने में, और भी प्यारा लगता है। वैसे इंडिया टेस्ट मैच खेल रही थी, कितने रन पे ऑल आउट, 296 की 469 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हुई थी, तो इंडिया 269 शायद हो सकता है, चेक कर लेना, फर्स्ट इनिंग आउट हो गई है, सेकंड इनिंग 200 से ज़्यादा चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, अगर आप फाइनल ले जाएगा ऑस्ट्रेलिया यार बहुत अफसोस होगा, अगर ले कर चला गया तो हम चाहते नहीं है कि फाइनल ऑस्ट्रेलिया ले जाए यार, इंडिया को हारते हुए नहीं देख सकते, अभी तुरंत निकलेंगे घर भी। देखो ये आ रहा है, क्या करने आ रहे हो, पढ़ने तो जा नहीं रहे हो, इसका डेट कब निकला था, अगले महीने में 3 तारीख को, आज कितना डेट हो गया जून,
8 तारीख ये कितना लेट करेगा, लग रहा है घर पे ही पड़ रहा है इसीलिए। अभी अम्मी चलते है घर, ये भी भाग रहा है घर अपने, पानी तो लाया नहीं। लो प्लीज बैग टांग लो यार, अब तुम्हारे पापा देखेंगे तो कहेंगे पढ़ने नहीं जा रहा है, बैग टांग कर ला रहा है। सो गाइस, उस वक्त कोचिंग से आकर बैठ गए थे ब्लॉग एडिट करने के लिए, और अभी सारा काम हो चुका है। रेड का टेस्ट मैच देख रहे हैं, लंदन में हो रहा है, वहाँ तो अभी सुबह है, देख सकते हो वहाँ पर धूप निकला हुआ है, यहाँ तो रात हो गया है लेकिन वहाँ पर अभी सुबह हुआ है। देख सकते हो अभी 2 विकेट गिरे हैं, 44 रन। बट यार मोहम्मद सिराज क्या ही उन लोगों को मार रहा है, बॉल कम बैट पे लग रही है लेकिन चोट उन लोगों को ज्यादा लग रही है। पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बॉलिंग कराते समय मारती थी इंडिया से, अब मोहम्मद सिराज उन लोगों को मार रहा है, देखने में भी मजा आ रहा है। हम जब भी ब्लॉग अपने स्टार्ट करते थे ये टेंटे चिल्लाते सब, ये देखो क्या ड्रामा कर रहा है, लेट गया लेट गया। मीठू बिस्किट खाओगे, बिस्किट। अभी इन लोग को बिस्किट नहीं खिलाते, बिस्किट खिलाने लगेंगे तो इन लोग को पंख झड़ने लगेगा, इसीलिए बिस्किट अभी इन लोग को नहीं खिलाते। इसका भी धीरे धीरे अभी पंख आ ही रहा है। कुछ देर बैठकर मैच देखेंगे एंड फिर जाएंगे बाहर, वहाँ का आदमी खड़ा होकर मैच देखता है। हम लोगों की इंडिया में बैठने का व्यवस्था बढ़िया है, केवल व्हाइटी व्हाइट दिख रहा है, टेस्ट मैच है तो व्हाइटी ना दिखेगा। गाइस अभी निकले हुए, चलो बाहर, बाहर लाइट पूरी कट चुकी है, घर पे भी थे लोग तो लाइट कट चुकी थी, और इधर भी आया लो इधर की भी लाइट कटी हुई है, अंधेरा अंधेरा हुआ, फ्यूज तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा दूर जाओ तो। मेरा यूट्यूब पे 200 सब्सक्राइबर हो गया है, बढ़िया बात है। अपना सब्सक्राइबर बता रहा है कि 200 मेरा हो गया, आदित्य का तो 1800 हो गया, नहीं यार 1717 कम है, 1800 हो भी जाएगा 2 दिन में, हमारा कम से कम करा हो लोग यार, हमारा तो 200 भी नहीं हुआ अभी, ढंग से 150 भी नहीं हुआ। ये डांस करते हुए क्यों जा रहा है गोल गोल घूमते, और रात को जो हवा चल रही है ना ये दिन में हवा नहीं चल रही है, इसीलिए रात को निकल रहे लोग। ये सब गए थे सब बाहर, तो चाय पी ली है सब, और हमको भूल गए थे सब, हमको कॉल ही नहीं किया सब, कह रहा है सर दूसरा कोई पिला दिया तो पी लिए, तो कह रहे हमको कॉल नहीं कर सकते, तो कह रहा है भूल गया है। अभी जा रहे लो स्टेशन के पास, देखा जाएगा चाय मिल जाएगा या पकौड़ी कुछ भी खा लिया जाएगा, खा लिया जाएगा, ये तो चाय पी लिया है इसीलिए कभी से कर रहा है पकौड़ी पकौड़ी। सो गाइस यहाँ पर आते ही आलू का पकौड़ी ले लिए लो, ये सब तो पी लिए सब चाय, इसीलिए पकौड़ी लिए सब, देखो आ गई खाने में लगे हुए सब, हम दिखा रहे हैं ये सब खाते जा रहे हैं सब, दोनों को लग रहा भूख बहुत तेज लगी है, वैसे भी चाय पी लिए सब, कह रहे थे पकौड़ी ले लो, तो इन लोग अभी बात मान लिया, कह रहे चलो पकौड़ी खाते लो, तो भाई पकौड़ी भी खाकर निकल लिए लो, सारा तो पकौड़ी अकेले यही खा लिया। हमको चाय पीने का मन था, पैसा रखा था, 5 रुपये कम हो रहा था, तो कह रहे चलो चाय नहीं पीते लो पकौड़ी खा लेते लो, उस वक्त कह रहे पैसे ही नहीं है, और अभी कह रहा है पैसा है कुछ खाया जाए, ऐसे तो दोस्त रहने चाहिए साथ में, जो टाइम पे कहेंगे सब नहीं है, और जैसे निकलो तो बोल रहा है पैसा है मेरे पास। पूरा रोड अंधेरा अंधेरा है, जिसके पास इन्वर्टर है उधर लाइट दिख रहा है, बाकी अंधेरा ही अंधेरा है। और रात है तो कितना ये रोड शांति है, लग रहा है हम लोग का अलावा कोई बोल ही नहीं रहा है, केवल गाड़ी जा रही है तो उसी का आवाज़ आ रहा है। अब जाएंगे लोग यहाँ से, मस्त हो जाएंगे लोग, एंड इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। देख सकते हो अभी खाते जा रहे हम भी है, हमको भूल ही गए सर, कुछ खा रहे थे घप्पा घप, देखो हाथ में लिए हाथ से छीन लिया अब।